Hey you all, this is your friend Erica and welcome to Cricket Insomnia. Cricket की हर खबर मिलेगी इधर. World Cup में कल दो रोमांचक मैच खेले गए और दोनों ही मैचों के नतीजे भी एकदम रोमांचित करने वाले थे. जी हाँ, एक ओर जहाँ पाकिस्तान ने DL मेथड के तहत मैच जीतकर सेमीफाइनल में अपनी उम्मीद बरकरार रखी है, वहीं दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को हराते हुए सेमीफाइनल में अपनी जगह लगभग सुनिश्चित कर ली है. पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के मुकाबले में तो कुछ रिकॉर्ड भी बने और फखर जमान ने अपनी बल्लेबाजी से दर्शकों का पूरा मनोरंजन भी किया. कल के दोनों मुकाबलों ने पॉइंट टेबल को भी पूरा हिला के रख दिया है. कल की हार के बाद इंग्लैंड सेमीफाइनल की रेस से बाहर हो चुकी है और कल की जीत के बाद ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान दोनों ही टीमों की सेमीफाइनल में बने रहने की उम्मीद बरकरार है. वहीं दूसरी तरफ 2019 की तरह न्यूजीलैंड कल भी बदकिस्मत रही और मैच हार गई, जिस वजह से अभी तक पॉइंट टेबल पे अपनी पोजीशन बरकरार रखी हुई न्यूजीलैंड की टीम पे वर्ल्ड कप से बाहर होने का खतरा मंडरा रहा है. चलिए आपको बताते हैं कल हुए दोनों मुकाबलों के बारे में. तो पहला मुकाबला न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के बीच बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला गया. इस मुकाबले में पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. न्यूजीलैंड की ओर से ओपनिंग करने के लिए क्रीज पर आते हैं डेविन कॉनवे और रचिन रविंद्रा. ये दोनों ही खिलाड़ी न्यूजीलैंड के लिए इस विश्व कप में बहुत सफल रहे हैं. दोनों ही खिलाड़ी संभलते हुए पारी की शुरुआत करते हैं, लेकिन डेविन कॉनवे 35 रनों के निजी स्कोर पर हसन अली का शिकार बनते हैं, जिसके बाद क्रीज पर आते हैं केन विलियमसन. विलियमसन रचिन के साथ मिलकर एक शानदार साझेदारी करते हैं. दोनों खिलाड़ी पहले अपना अपना अर्धशतक पूरा करते हैं और देखते ही देखते दोनों खिलाड़ी पहले एक शतक या और फिर 150 से भी अधिक रनों की साझेदारी करते हैं. दोनों खिलाड़ियों के बीच 180 रनों की शानदार साझेदारी होती है. रचिन एक बार फिर अपना शतक पूरा करते हैं. ये रचिन का इस वर्ल्ड कप में तीसरा शतक था. केन विलियमसन भी शानदार पारी खेलते हैं, लेकिन अपना शतक जड़ने से वो चूक जाते हैं. विलियमसन ने 95 रनों की शानदार साझेदारी खेली. वहीं रचिन भी 108 रन बनाकर मोहम्मद वसीम जूनियर का शिकार बनते हैं. उनके अलावा डेरिल मिचेल ने 29, मार्क चैपमैन ने 39, ग्लेन फिलिप्स ने 41 और मिचेल सेंटनर ने 26 रन बनाए. न्यूजीलैंड की टीम 50 ओवरों में 6 विकेट खोकर 401 रन बनाती है. पाकिस्तान की ओर से मोहम्मद वसीम जूनियर 3 विकेट झटकते हैं. उनके अलावा हसन अली, इफ्तिकार अहमद और हैरिस राव को एक एक सफलताएं मिलती हैं. 402 रनों के पहाड़ जैसे लक्ष्य का पीछा करने के लिए पाकिस्तान की ओर से ओपनिंग करने आते हैं फखर जमान और अब्दुल्ला शफीक. लक्ष्य बड़ा था, इसलिए दोनों खिलाड़ियों का पारी को भी बड़ी और तेजी से खेलना बहुत जरूरी था, लेकिन उनका पहला विकेट मात्र 6 रनों पर अब्दुल्ला शफी के रूप में गिर जाता है. पाकिस्तान को पहला झटका बहुत जल्दी लग गया था. ऐसे में पारी को जमान के साथ बुनने के लिए क्रीज पर आते हैं पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम. फखर जमान तेजी से इस पारी को आगे बढ़ाते हैं और बाबर उनका बखूबी साथ भी निभाते हैं. जमान मात्र 63 गेंदों में अपना शतक पूरा करते हैं. ये पाकिस्तान की ओर से इस विश्व कप का सबसे तेज शतक भी बना. खेल 21.3 ओवरों तक ही चला था कि बारिश ने मैच में दखल डाल दी. पाकिस्तान की टीम 21.3 ओवरों में 160 रन बना चुकी थी. थोड़ी देर बाद खेल पुनः शुरू किया गया और फिर बाबर ने भी अपना अर्धशतक पूरा किया. दोनों खिलाड़ी तेजी से रन बनाने लगे. खेल 25.3 ओवरों तक ही पहुंचा था कि एक बार फिर से बारिश ने खेल में दखल डाल दी, जिसके बाद इस मुकाबले को दोबारा शुरू भी नहीं किया जा सका. इस मुकाबले को पाकिस्तान ने डकवर्थ लुइस नियम के अनुसार 21 रनों से जीत लिया. फखर जमान ने 81 गेंदों में 8 चौकों और 11 छक्कों की मदद से 126 रनों की शानदार पारी खेली. वहीं बाबर आजम ने भी नाबाद 66 रनों की पारी खेली. पाकिस्तान ने 25.3 ओवरों में 1 विकेट खोकर 200 रन बनाए थे. न्यूजीलैंड की टीम के लिए एकमात्र सफल गेंदबाज रहे टिम साउथी, पर इसके साथ ही पाकिस्तान ने इस मुकाबले को 21 रनों से जीत लिया है, जिसके साथ ही साथ अब वो सेमीफाइनल में पहुंचने की राह में भी अभी बनी हुई है. दिन का दूसरा मुकाबला ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया, जिसमें इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. ऑस्ट्रेलिया की ओर से ओपनिंग करने आते हैं ट्रेविस हेड और डेविड वार्नर, लेकिन दोनों ही खिलाड़ी अपनी टीम को अच्छी शुरुआत दिलाने में असमर्थ रहते हैं. ट्रेविस हेड 11 रन बनाकर क्रिस वोक्स का शिकार बनते हैं. उनके बाद क्रीज पर आते हैं स्टीव स्मिथ. स्टीव स्मिथ संभलते हुए पारी की शुरुआत करते हैं, लेकिन दूसरे छोर से उनका साथ दे रहे डेविड वार्नर 15 रनों के निजी स्कोर पर अपना विकेट खो बैठते हैं और फिर क्रीज पर आते हैं मार्नस लाबुशेन. लाबुशेन स्मिथ के साथ मिलकर पारी को आगे बढ़ाते हैं और 75 रनों की एक अहम साझेदारी करते हैं. स्टीव स्मिथ 44 रनों के निजी स्कोर पर आदिल रशीद को अपना विकेट थमा बैठते हैं. फिर क्रीज पर आते हैं जॉश इंग्लिस, लेकिन वो भी मात्र 3 रन बनाकर ही आउट हो जाते हैं, जिसके बाद क्रीज पर आते हैं कैमरन ग्रीन. लाबुशेन अपना अर्धशतक पूरा करते हैं. दोनों ही खिलाड़ी 61 रनों की अच्छी साझेदारी निभाते हैं. मार्नस लाबुशेन 71 रन बनाकर मार्क वुड का शिकार बने. वहीं उनका साथ निभा रहे ग्रीन अपना अर्धशतक पूरा करने से चूक जाते हैं और 47 रनों के निजी स्कोर पर विली की गेंद पर बोल्ड हो जाते हैं. उनके अलावा मार्कस स्टोइनिस ने 35, पैट कमिंस ने 10, मिचेल स्टार्क ने 10 और एडम जैम्पा ने 29 रन बनाए. ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम 49.3 ओवरों में अपने सारे विकेट खोकर 286 रन बनाती है. इंग्लैंड के लिए क्रिस वोक्स को 4,
मार्क वुड और आदिल रशीद को दो दो विकेट प्राप्त हुए। उनके अलावा लियम लिविंगस्टोन और डेविड विली को एक एक विकेट मिला। 287 रनों के लक्ष्य का पीछा करने के लिए इंग्लैंड की ओर से ओपनिंग करने आते हैं जॉनी बेयरस्टो और डेविड मलान। बेयरस्टो पहली ही गेंद पर मिचेल स्टार्क का शिकार बनते हैं, जिसके बाद क्रीज पर आते हैं जो रूट, लेकिन वो भी मात्र 13 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। इंग्लैंड की टीम 19 रनों पर अपने दो विकेट खो चुकी थी और उसके बाद क्रीज पर आते हैं बेन स्टोक्स। स्टोक्स इस वर्ल्ड कप में अभी तक कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाए हैं, लेकिन उनसे इस मुकाबले में काफी उम्मीदें थी। स्टोक्स ने मलान के साथ मिलकर पारी को संभाला और आगे बढ़ाया। दोनों ही खिलाड़ी पारी को संभालते हुए अर्धशतकीय साझेदारी पूरी करते हैं। डेविड मलान अपना अर्धशतक पूरा करते हैं, लेकिन उसके बाद वो अपना विकेट खो बैठते हैं और फिर आते हैं जॉस बटलर, लेकिन वो भी मात्र एक ही रन बना पाते हैं। और उसके बाद स्टोक्स का साथ देने आते हैं मोइन अली। मोइन स्टोक्स के साथ मिलकर पारी को आगे बढ़ाते हैं। स्टोक्स इस मुकाबले में अपना अर्धशतक जड़ते हैं, लेकिन 64 रनों के निजी स्कोर पर एडम जाम्पा उन्हें आउट कर देते हैं। वहीं मोइन अली भी 42 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। उनके अलावा लियम लिविंगस्टोन 2, क्रिस वोक्स 32, डेविड विली 15 और आदिल रशीद 20 रन बनाते हैं। इंग्लैंड की टीम 48.1 ओवरों में 253 रन के कुल स्कोर पर ऑल आउट हो गई और इस मुकाबले को 33 रनों से हार गई। ऑस्ट्रेलिया के लिए एडम जाम्पा ने 3, स्टार्क, हेजलवुड और कमिंस ने 2-2 विकेट झटके। उनके अलावा मार्कस स्टोइनिस को भी एक विकेट मिला और इसी के साथ ऑस्ट्रेलिया ने इस मुकाबले को 33 रनों से जीतकर डिफेंडिंग चैंपियन इंग्लैंड को वर्ल्ड कप 2023 की रेस से बाहर कर दिया है और अब वो 10 अंकों के साथ नंबर 3 पर अपनी पकड़ मजबूत बनाती नजर आ रही है। आपको बताते चले कि अब तक सेमीफाइनल की लगभग 3 टीमें फाइनल हो चुकी हैं और सिर्फ चौथे नंबर के लिए अभी भी न्यूजीलैंड या पाकिस्तान में से कोई भी साउथ अफ्रीका के बीच बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में मुकाबला खेला जाएगा। तो ये थी वर्ल्ड कप से जुड़ी अब तक की सारी अपडेट्स। चलिए अब मिलते हैं आपसे क्रिकेट की नई अपडेट के साथ क्रिकेट इंसोम्निया पे। जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकॉन को जरूर दबा दें। इसके साथ ही अब आप सारी अपडेट हमारी ऐप पर भी पा सकते हैं। बस जाइए प्ले स्टोर पे और सर्च कीजिए क्रिकेट इंसोम्निया, ऐप को फटाफट डाउनलोड कीजिए। मिलते हैं आपसे क्रिकेट की दुनिया की नई खबर के साथ क्रिकेट इंसोम्निया पे। क्रिकेट की हर खबर मिलेगी इधर। दिस वॉज योर फ्रेंड एरिका साइनिंग ऑफ। बाय फॉर नाउ।